ओबीसी का आरक्षण 27% है और एससी का 21, 21.5 और 2 अनुसूचित जनजाति का कुल मिला के 49.5% आरक्षण में हम लोग आते हैं, जबकि इन सबकी आबादी 85% है। शेष बचता 15%, 15% लाभ लेते हैं 50.5 का, और 50 जो 85% है उनको मिलता है केवल 49.5 का, और उस पर भी डाका 10%। इसमें से 48 घंटे में केंद्र से पास करके सवर्णों के नाम पर दे दिया गया। अब बताइए जो बचा उस पर भी वर्गवाद फैलाया जाता है कि जे इस वर्ग के चार खांपे हैं, यादव के ये घोषी हैं, जे कमरिया हैं, ये कश्यप, ये 17 जातियों में बटा है, ये राजपूत इतने में बटा है, यानी हर वर्ग को डिवाइड करके जो अंग्रेजी प्रथा थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, उसके नाम पर केवल उसी दिन बांटा जाता है जब चुनाव आता था। और अगर ये ही बांट के चले, इनका आरक्षण इन्हें दे दिया जाए कि तुम्हें फलाने वर्ग को 2% मिलेगा, इन्हें 1% मिलेगा, या सारा आरक्षण समाप्त कर दो। जब चुनाव लड़ते हैं नेता लोग तब हरिजन का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, और अगर वही शब्द कह दिया जाए, वो नाम ले दिया जाए, तो उस पर मुकदमा कायम होता है। आप लोग ताली वाली बजाओगे ना फालतू में, तो इसमें आवाज नहीं आएगी ना, नेतागिरी तो हो नहीं रही। मतलब जैसे जो अनुसूचित जाति का अगर शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, और जब चुनाव होता तो लोग, हम लोग, हम भी आरक्षण के लिए ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो लिख के देते हैं कि हम साहब फलानी जात के हैं, तब हम अपराधी नहीं माने जाते। ऐसे एससी का मामला है तो ये समझ में नहीं आता कि कैसी विडंबना है, सही बात को सही कहना अपराध की श्रेणी में आ जाता है। नहीं मतलब अपराध की श्रेणी में तो इसलिए आता है ना, जिस शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गाली है। जी जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसलिए कहा ना क्योंकि उस शब्द का लोग गालियों की तरह इस्तेमाल कर देते। नहीं तो वो लिखित में क्यों दिया जाता है वो शब्द ना लिखे, मान लो उसके लिए जाटव एक शब्द है। नहीं तो वो जाटव शब्द है, जैसे वास्तव में लोग उससे नहीं जानते, जहाँ बाहुल्य लो 15% का जहाँ बाहुल्य है वहाँ जाटव नहीं कहते, हाँ उसको उस नाम से मैं के आगे भी डंडा लगा देंगे, बड़े ऊंची मात्रा लगा देंगे, इनका वर्चस्व है यहाँ, तो ऐसी स्थिति में उसका वास्तविक वर्चस्व कहाँ रहता है। आप कह रहे हैं कि सभी आरक्षण के वर्गों को उनका हक मिल रहा है, ओबीसी को नहीं मिल रहा है। नहीं एससी को भी वही स्थिति है, उसमें भी उतना ही है भाई, इनको अगर मिल रहा है जिसका जहाँ आरक्षण है तब तो आरक्षण ठीक है उसका अभिप्राय। एक बता दो कहीं यहाँ पास पड़ोस में कहीं कोई डीएम बना दिया गया हो, कश्यप समाज का, लोधी समाज का बना दिया गया हो, शाकी समाज का बना दिया हो, कहाँ बना, या पाल बना दिया हो, पाल बना दो, यानी कहीं हम लोग इतना बिल्कुल पढ़े लिखे कोई लड़के जो पढ़े लिखे उनको आता ही नहीं, उनको तो अलग कर दिया जाता। अगर कहीं पहले तो इतना हिम्मत नहीं है पिछड़ी जात में या अनुसूचित जात में कि वे अपने नाम के आगे टाइटल लगा सके, हिम्मत नहीं जुटा पाता, जुटा अरे कहाँ से हिम्मत जुटा लें। और ऐसी बात नहीं, प्रमाण दे रहा हूँ, बताइए क्या अंग्रेज जब कृषि वो क्या नाम कांग्रेस पीरियड में राव बीरन सिंह केंद्र में कृषि मंत्री थे, नाम के आगे सरनेम नहीं लगाते थे, क्यों नहीं लगाते थे, किसका डर था वो? अरे तो डर तो जो उन्हीं बाहुलियों का, उन्हीं का डर था जो 15% है जिनके अंडर में हम लोग काम करते हैं, जिनके अधीनस्थ रहते हैं, और वही प्रथा फिर आ जाएगी। अगर इतनी छूट हो, हर व्यक्ति को अपने जाति पर गर्व होने लगे तो ये समस्या का निदान ही हो जाए। अगर इसकी वास्तव में जनगणना करा दी जाए हर वर्ग की तो अपने आप इस समस्या का हल हो जाएगा, तो यादव हमारी स्थिति पता लगेगी। आज हमको कह दिया जाए जब वोट पड़ते हैं तब कहा जाता हमको गांव में कश्यप कितना, दीमर कितना है, तो 450 है, और वैसे जब लिखा जाता तो अन्य में डाल दिया जाता है। अगर इसकी गणना हो तो हर वर्ग का पता लग जाएगा वास्तव में कितना है, और जब वो पता लग जाएगा तो उसको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो अभी जो डिवाइडेशन चला इसकी नौबत नहीं आएगी। अभी जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ यादव कितना कहते हैं, पतना जितना है, कितना है करहल में, कितना है करहल में 1,40,45 करीब होगा यादव। वोट है कि जनसंख्या? वोट की बात कर रहा हूँ। ठीक है तो अब ये तो स्वाभाविक है, अभी जैसे हमारे ये सामने अब किसी कोई वक्ता कह रहे थे कि नेताजी यहाँ इस क्षेत्र में रहे, मैं भी उनका शिष्य रहा हूँ, मैंने उनको देखा है, पैदल आते थे साइकिल से, और साइकिल में मडगार्ड नहीं होती थी क्योंकि इतनी धूल रहती थी,
कच्चे रास्ते थे, चूड़ा लगता था। और ये जो दिखाई दे रहा आज जो वहाँ आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ये उन्हीं की देन है, इस पूरे क्षेत्र की, जो हम लोगों का सिर उठा के बात कर पा रहे हैं। कहीं कोई रोड ही नहीं था भाई, इसी तरह कोई रोड नहीं था। यहाँ से मेनपुरी जाने में 1.5 घंटा लगता था मोटरसाइकिल से, चाहे 27 से 28 किलोमीटर है, लेकिन गांव के लिए रोड था ही नहीं पक्का। नेताजी ने पैदल जाना था, साइकिल से जाना था, आज कोई रोड नहीं था। कहीं गरीब तबके में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास, जो भी जितने भी कार्य हुए सब नेताजी की सरकार में हुए। नेताजी के बारे में और नेताजी के परिवार के बारे में जो आप लोग सुनते भी होंगे, मतलब ये मेरी बात नहीं है, ये लोग कहते हैं कि सरकार बनी तो सारा विकास उठ के सैफई, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद तक चला गया, बस वहीं पे सारा विकास रह गया। बताइए साहब, ये एक्सप्रेस वे निकला है लखनऊ से, निकला है आगरा से, लखनऊ लखनऊ से आगरा के लिए कहा जाता है। लाइट आती थी तो सैफई, इटावा, मैनपुरी में आती थी, बाकी प्रदेश की लाइट कटती नहीं, नहीं, नहीं आ रही हर जगह, हर जगह लाइट आती, लाइट नहीं आती, बिल नहीं आती है। देखो साहब, इसमें हर जगह लाइट आती थी। अभी जो वर्तमान सत्ता है, इस समय लाइट का टाइम ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, 10 या 12, अधिकतम 12, न्यूनतम 8, अधिकतम 12। पहले लाइट आती थी शहरी क्षेत्र में 20-22 घंटे, और ग्रामीण अंचल में 18 और 20 घंटे। तब बिजली का बिल आता था 2 महीने का न्यूनतम 250 रुपये, और आज बिजली का बिल 1 महीने का आ रहा 2500 रुपये, लगभग 20 गुना वृद्धि हो गई बिजली के बिल में। तो अब अनुमान लगाइए महंगाई कहाँ से बढ़ी, यानी बिजली में आप 20 गुना बढ़ाएंगे, रोजगार के साधन खत्म करेंगे, शिक्षा को खत्म कर देंगे, स्वास्थ्य शिक्षा की जो अभी आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सारा काम सैफई में किया। अगर सैफई नहीं होता तो ये कोरोना में इतने लोग जिंदा नहीं रहते इस क्षेत्र के। ये उन्हीं की देन है, जो इधर का आदमी बच गया वहां पहुंच गया। और रही बात उनके परिवार की, एक भी आदमी का उपचार यहाँ नहीं होता उनके लिए, तो वो लखनऊ चले जाएं या दिल्ली चले जाएं, उनके पास तो सारे साधन है, सारा उपचार होता है। या गरीब का जो छोटे तबके का आदमी है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर ऑटो में बैठता, 5 रुपये देता और पहुँच जाता है। और भी बता दें कि इस समय जो इस सरकार में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही, वहाँ भी कहीं नहीं, उस शासन में इतनी दवाइयाँ रहती थी कि व्यक्ति को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सर्व समाज का देखिए महोदय, एक मिनट, इस 5 साल में जनता को, किसानों को गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के अलावा सरकार, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं है। क्या जी बताइए, वहाँ लखीमपुर खीरी में मंत्री का लड़का उसमें किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, यहाँ हाथरस में वाल्मीकि लड़की जला दी जाती है, यहाँ कई मर्डर हुए, कई ब्राह्मण लोग मारे गए। आप लाइन ऑर्डर कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया वाले इनको हाई फाई करें, लाइन ऑर्डर बुधवा देते। और सुनिए साहब, उन्नाव में एक लड़की की लाश मिली है, सपा के पूर्व नेता और राज्य मंत्री रहे, उनके भाई के फार्म में से निकली वो लड़की की लाश, वो और महिला अखिलेश यादव के कार पे कूद गई थी सामने न्याय दिलवाने के लिए, कही थी कि आपके नेता ने उसको अगवा किया है। इस पे आप लोग क्या कहेंगे? कुछ षड्यंत्र भी चल रहे हैं, षड्यंत्र कई जगह ऐसे चल रहे हैं। सपा के नेता सबसे एकदम साफ सुथरा है, सपा के नेता ऐसा जो बता, बीजेपी सरकार चल रही है, बुलडोजर चला रही है, सपा के नेता किसी की हैसियत है जो काम करेंगे? सिर्फ कई जगह चुनाव हो रहे हैं साहब, गायत्री प्रजापति पे क्या कहेंगे? गायत्री प्रजापति का उनको फंसाया गया, और जेल, अब निष्पक्ष जांच करा ली जाए, दूसरी सरकार आ जाए, किसी एजेंसी जांच करा ले, उनको फंसाया गया, बोल रहे हैं उनको, आप क्या बोले, उनको फंसाया गया है और कोर्ट ने सजा दी है, फंसा की सजा दी है? अरे कोर्ट ने सजा दी, कोर्ट तो एक दिन दाड़े जो हत्या कर देता उसकी जमानत मंजूर कर लेता है, पुलिस है जिस महिला पे अत्याचार हुआ था उसने स्पष्ट मना की, कोर्ट आरोपी को जमानत दे दिया थी, मुख्य आरोपी सिद्ध कर गए, मुख्य आरोपी है, और जो आदमी दिन दहाड़े 4-5 लोगों को मार देता, तमाम लोग घायल हो जाते हैं,
उसको जमानत दे दी जाती है। कोर्ट गलत काम कर रही है और ये बताया कोर्ट क्यों सरकार कर रही है, सरकार जान बूझ के ऐसी सरकार द्वारा जान बूझ के उनको बचाया जा रहा है। जब कोई अपराधी होता है और उसी विभाग का वो मंत्री है नहीं जा पा रहे तो पुलिस की औकात क्या है, सही रिपोर्ट देगी? गृह मंत्री का लड़का पुलिस की औकात नहीं उसके खिलाफ रिपोर्ट दे दे, सरकारी वकील तक नहीं बोल पाएंगे। तो आप बताएं प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी थी, उसको हटा देना चाहिए पद से। अच्छा सरकार का पक्ष जो है, जो बादी पक्ष है वो सरकारी तो होती है, तो सरकार जब बादी पक्ष अपनी बात ही पूरी नहीं कहेगा, बात को छुपाएगा, तो कोर्ट तो फिर उस हिसाब से निर्णय कर देगा। जनरल सॉलिसिटर जनरल राघवेंद्र सिंह बैठे भाई है हाई कोर्ट से, लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिल रही है, सीधा सीधा सरकार दिलवा रही है जमानत, जब कहीं से कोई चेहरे नहीं मिले। आप यहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम कितने प्रेम से सब बैठे थे और सरकार को अपने किसान परेशान पड़ेगा, किसान गायें आप देखिए यहाँ एक दिन रुक जाइए। उन्नाव वाली घटना में अंगल जी कुछ बताए नहीं, और ना जो सपा नेता के रिश्तेदारों के यहाँ से लाश बरामद हुई है कहा जा रहा है, वो तो कहीं से लाके रख दी गई, सरकार कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग एकदम ऐसे मन क्लीन चिट दे रहे हो किसी को, कोई कुछ किया ही नहीं, सब लोगों को फंसाया है। आप स्वीकार कर रहे हो नहीं कर रहे? नहीं, इस समय आप ये मान के चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कैसा ठीक है आपकी दृष्टि में, ठीक है स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमको पता नहीं ठीक कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन हम कुलदीप सेंगर उन्नाव का उसमें क्या कहेंगे आप? कुलदीप सेंगर ने क्या किया, भाजपा के विधायक थे। अब देखिए कुलदीप सेंगर पे यही सवाल आप पूछिए उनसे ना, भाजपा के हैं। अरे मेरी बात सुनिए, कुलदीप सेंगर पे चाहे हाथरस कांड पे बहुत सारी दिक्कतें हैं दोनों घटनाओं में, लेकिन आप पूछिए उनसे सवाल तो वो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार ने कार्रवाई की, हम लोगों ने जेल भेजा, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जेल भेजा, पुरानी सरकारों में ऐसा नहीं होता था। वो कहते हैं कि पुरानी सरकारों में गायत्री प्रजापति खुले घूमते थे, नहीं तो उनको भी षड्यंत्र जब फंसाएंगे तो इस सरकार में फंसाया गया है, अबे हमें फंसाए थे तो आपको फंसाए तो काम को फंसाए थे, सरकार है स्वतंत्र। हम एक बार सर पूछना चाहते हैं, जो पीड़िता थी लड़की उसकी माँ उसके चाचा को सरकारी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा करना, दिन दहाड़े मार देता है एक आदमी घेर के, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है बताएं? हमारे समय सरकार उनको निकाल देती है जान बूझ के, वो उसको फ्री छोड़ देते हैं, उस जो पीड़िता है उसकी माँ की जिम्मेदारी उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार चूंकि उनका पक्ष ले रही है, विधायक का पक्ष ले, दिन दहाड़े उनको मार दिया जाता है, जितने गवाह होते हैं उनको मरवा दिया जाता है, तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? हमारे समझ नहीं आता। और यही बात आपकी बात सुन ली मैंने, और फिर वो ये बात कहते हैं कि यार पहले के, मैं कई नेताओं से मिलता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि यार पहले होता था कि कुछ भी होता था तो थाने पे तुरंत फोन आता था, समाजवादी छात्र परिषद या समाजवादी छात्र सभा, सयूस यूथ ब्रिगेड के किसी नेता का तुरंत फोन आता था, सफ़ेद पैंट शर्ट और काला जैकेट पहने एक बंदा हाथ जोड़ के ऐसे पहुँचता था, और जो भी अरेस्ट में है, जो भी डिटेन किया गया है, जो भी हिरासत में है, तुरंत छुड़वा के लेकर चला जाता था। लोग बताते हैं कि यार अब ऐसा नहीं होता है, अब इस तरह पुलिस पे इस तरह का प्रेशर होता है, थाने घेरे गए, लोग छुड़ाए गए, यहाँ का एक बीजेपी के नेता है कंजरा के हैं वो, उनको छुड़ाया यहाँ बीजेपी वालों ने, इस थाने पे पूरा घेराव किया, उनको छुड़ा के ले गए जबरदस्ती, थाने लोकर से निकाल के ले गए, लोकर से निकाल के ले गए, ऐसी बात क्या है जिन्हें नहीं ले गए, ही सुरक्षित नहीं। अब तो केवल ये है कि अगर सपा में कुछ हुआ है उसे तो बहुत तूल दे दिया, तो अब जो हो रहा है उसे छिपाया जा रहा है, ऐसा आगरा में हुआ दूसरे उसमें। अच्छा एक बात बताइए साहब, इस सरकार से किसान कितना परेशान है, गाय को रात रात भर रखा रहा है किसान, उसके तार लगा रहा है, साढ़ने आदमी मार दिया चार दिन अभी परसों, तो आप बताइए इतना सिलेंडर आपने कर दिया 400 रुपए का था 100-1000 का कर दिया, पेट्रोल और डीजल इतनी महंगी कर दी, आदमी इतना दुखी हो गया, जिनको अबे आप चूल्हा बांट रहे थे वो सिलेंडर 1000 का कौन गरीब ले लेगा, जो फेरी लगा के आता है 1000 सिलेंडर कर दिया उस पर असर नहीं पड़ेगा, डीजल पेट्रोल डीजल का असर किसानों पर नहीं पड़ेगा, सारे किसान के जितनी जो भराई होती है जिनके वाहन अपने ट्रैक्टर चलाते हैं तो डीजल से ही तो महंगाई बढ़ी उनकी, सब डीजल की वजह सब किसान बर्बाद है, रात रात सड़कों पे गायों को घेर रहा है ये सरकार, गायों पे कहा जाता है कि पहले की सरकार में गाय कट जाती थी, गाय जानवर कट जाते थे इस वजह से नहीं होती थी दिक्कत, गौशालाएं बनवाई हैं वो करते हैं ऐसा, वो तो दूसरे प्रदेश में चली जाती, वो प्रदेश दूसरे को करते हैं, गौशाला कितनी मर रही है, अगर जो है उनकी जांच करा ली जाए साथ में बोले मत आइए गौशाला में, शांत रहिए भाई शांत नहीं मिलेगा, पहले किसान गाय बछड़ा भैंस सब पालता था उनका, जो जैसे बड़ी पैदे तो उन्होंने गाय बेच ली बछड़ा बेच लिया तो उसके पैदे हो जाते थे, आज तो ये पाले क्या, कोई खरीदार है नहीं,
उसे खिलाए पिलाए बड़ा करे और डील दे। मूल बात यह गोबम उपयोग ही नहीं रखा। उससे किसान को जो है लाभ होता था तो वो लाभ भी सब खत्म हो गया। किसान के बाद समझ नहीं आया। अरे नहीं, अब गाय के नाम पर तमाम बजट बनता है, उनको चारा दिया जा रहा है, दाना दिया जा रहा है, कहीं है नहीं धरा उधर नहीं दिया जाता। और गायों की बुरी हालत है कि कहीं तार में फट गई, तमाम मरती है धीरे धीरे भूखा जिम्मेदार है। कुछ भी नहीं, गौशाला भी करेल का आप चेक कर लो, सब गाय मर रही है। भूसा है प्रशासन वाले बेच लेते हैं और उसका जो रातब आता है वो गाय को नहीं मिलता है। आप गाय की इससे देख लीजिए, चेक कर लीजिए यार गौशाला, केवल कागजों में गाय कागजों में सब हो रहा है, कागजों में रातब, लेकिन गाय को कुछ नहीं मिल रहा है। गाय बहुत गायों की कभी नहीं हुई, सड़कों में मर रही गाय, बिल्कुल अनुपयोगी बना दिया योगी, योगी तो खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो सारी योजनाएं सारा कुछ यादवों और मुस्लिमों के लिए किया जाता था, ये आरोप लगते हैं सरकार पे। आप लोग सुनने हैं आरोप, आरोप तो सुना होगा ना, भले ही आप लोग इससे नकारे। हाँ, कि सारा काम यादवों और मुस्लिमों के लिए किया जाता था, जातिगत है। करल कहीं भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ले लो, जहाँ भी देख लो सब एक ही जात के लोग बैठे हुए, सबके आगे सिंह लगा हुआ है, ठाकुर लगा हुआ है सबके आगे। अच्छा, ठाकुरों के लिए किया जा रहा है, सबके ठाकुर के लिए किया जाए तो पहले यादवों के लिए किया जाए। नहीं, यादवों के लिए कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया यादवों के लिए। लेकिन यहाँ जाति का सीधी सीधी दिखाई दे रही है। सब हमारा मानना जो है, जो लोग आरोप लगाते हैं कि केवल पूरा लाभ यादव लेता था, हकीकत ये जैसे पुलिस की भर्ती की बात है तो आप आज भी देखिए सड़क पर यादवों के बच्चे दौड़ लगाते मिलेंगे। तो जब वे दौड़ लगाएंगे तो कश्यप भर्ती कहाँ से हो जाएगा? जो वर्क करेगा वही तो आएगा। तो ये कैसे कह सकते कि यादवों के बच्चे ही आगे आते थे? वे परिश्रम करते हो तो आज भी आगे आ रहे हैं। ये तो भैंस चुंगाते हैं, दूध पीते हैं, उनके उनके अखिलेश जी के मंत्रिमंडल में ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, सब बिरादरियों की कौम थे, जो कैसे कह सकते हो यादव ही थे सबसे ज्यादा। ये इस बात पे कितना सच्चाई है कि यहाँ कहा जाता है कि मैनपुरी इटावा में जाओ तो आधे लोग के मोबाइल में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का नंबर मिलता है पर्सनल? जो कहते हैं हमारे का ना उसमें नंबर है नेताजी का बनाने का, वो सब झूठ कहते हैं। नहीं, हम तो ये कहते हैं प्रतिनिधि का ये बहुत बड़ा जुड़ाव होता है, हर आदमी उनका मोबाइल रखता है, हर आदमी बात सुनते हैं, यही नेता का काम है। जब हमारी कोई पीड़ा होती है पूरे क्षेत्र, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, अपनी बात कहता है, उसकी पीड़ा हरने का काम को करते हैं। मोबाइल नंबर रखते हैं कि नहीं बताइए पहले, उनके परिवार के नहीं मोबाइल सही सही बताइए, झूठ मत बोलिए। तेज प्रताप के रखते हैं, धर्मेंद्र के रखते हैं, प्रोफेसर साहब के रखते हैं, और कुछ लोग मुलायम सिंह की भी रखते हैं, जिनके उनके सीधे सीधे संपर्क बात होती रहती रखते हैं। अखिलेश के अखिलेश के भी आप लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को अखिलेश के और अखिलेश के हो जाएंगे सब। उनका संपर्क रहता है तो ये तो अच्छे नेता के गुण हैं, होना चाहिए ऐसा। हर आदमी की सुख दुख की सुने तभी सुन पाएगा नेता, तो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, ऐसे कोई मेरे से कोई आके मांगे अखिलेश मुलायम का पर्सनल नंबर दे दिए, दे देते हैं आप लोग? आप उनकी गाड़ी जा रही हो, आप जो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं और तो तुरंत गाड़ी रोक दे, हमें पहचान दे, हमें रोक देंगे, आपको पहचानते हैं, आपको गाड़ी उनका तो जी हमेशा से रहा, आप प्रिंसिपल साहब आपको रोक दे। नेताजी मैनपुरी से आ रहे थे, मैं और मेरा चाचा अपने विद्यालय अंडनी पे खड़े थे हम लोग, तो उन्होंने देख के वहीं रुक गए, और रुक के मेरे चाचा चूंकि वो साथी थे तो दोनों लोग पुलिया बैठ के बात किए, नेताजी की पुलिया बैठ के दोनों लोगों ने बैठ के बात की, और कम से कम 15-20 मिनट ये जुड़ाव है उनसे, घर परिवार है। कैसे नहीं, मतलब हम लोग नंबर नहीं देख के रुक जाते, यही जे एन एन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया, तो हर यहाँ क्षेत्र की जनता सबसे वाकिफ है। साइकिल जब चलाते तो पहला चुनाव तब लड़े थे, तब से लेके इसी जनता के बीच में रहे और सब, और एडमिशन भी आपके पिताजी उनके साथ पढ़ाया है,
आपके सब उनका जी रहा नेताजी आप लोग आप लोग आप लोगों ने कितने लोग को पढ़ाया उन्होंने सात पढ़ाए हैं आपके अच्छा आप नेताजी सात पढ़ाए हैं सर प्रिंसिपल आप प्रिंसिपल थे हाँ क्या नाम है सर आपका विश्राम सिंह विश्राम सिंह कक्षा छह में हमारे क्लास टीचर और आपसे छोटे नेताजी आपसे छोटे डेढ़ दो साल दो साल हाँ या डेढ़ या दो साल छोटे पढ़े साथ ही साथ हम पढ़े साथ ही साथ हाँ पढ़ने में कैसे थे नेताजी हैं नेताजी पढ़ने में कैसे थे पढ़ने में कैसे थे ठीक थे मीडियम थे मीडियम थे अच्छा और पढ़ाने में पढ़ाने बढ़िया उन्हें याददाश्त बहुत तेज है नेताजी हाँ याददाश्त बहुत ही नेताजी बहुत थी अच्छा हम पढ़ लिया हम तैयार करते थे नोट्स हाँ और नेताजी को सुना देते थे वो हाँ। याद हो जाता अच्छा हाँ नेताजी कुश्ती उश्ती करते थे हैं नेताजी कुश्ती उश्ती लड़ते थे हाँ लड़ते थे कुश्ती बहुत अच्छी अच्छी कुश्ती लड़ते थे छोटे बड़े पहलवान को उनका चरखा दाव बहुत प्रसिद्ध था यहाँ चरखा दाव हाँ कितना ही तगड़ा पहलवान हो नेताजी चरखा दाव से आप क्लास टीचर रहे नेताजी हमारे 73 में क्लास टीचर थे जेएन इंटर कॉलेज में पटाई हुई अरे अरे इस सवाल के बिना तो बात आगे नहीं बढ़ेगी अभी गलती करेंगे इस सवाल के बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी वो तो गुरुजी जब हम गलती करेंगे तो पिटेंगे अभी नेताजी लंबा डंडा रख दे तो बड़ा अच्छा क्या कैसे पीटते थे छड़ी वड़ी से के हाथ से लंबा डंडा पूरे स्कूल का बच्चा नेताजी कहने पर हरकत करता था उन्हीं के साथ रहता था नेताजी नहीं बड़ा बड़ा डंडा रखते थे डंडा रखते थे लेकिन ज्यादा पीटते नहीं थे चलाते थे बेटा आ गए तो आज बताएंगे नहीं नहीं, नहीं, नहीं पिटने क्या तो गुरु नेताजी राजनीति शास्त्र के लेक्चरर रहे यहाँ बहुत बढ़िया लेक्चर देते थे बहुत बढ़िया पढ़ाते अच्छा पूरा जब तक वो रहे कॉलेज में हमने जैन कॉलेज में बहुत अच्छा पूरा समय पढ़ाई में कभी उन्हें कोताही नहीं करती और कॉलेज टाइम के बाद ही नेताजी करते थे पूरा अच्छा टाइम से आना टाइम से जाना उसके बाद अपना नेताजी अपने कर्तव्य पर रहे बिल्कुल उसमें लापरवाही नहीं है और ये हॉस्पिटल नेताजी की देन है गरीब जनता जिंदा है तो उसी की वजह से नेताजी तो पूरे भारत में ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ एक रुपए में उसे मरीज को खाना भी मिलता है नाश्ता भी मिलता है और सारी दवाएं फ्री मिलती थी और जब से बीजेपी सरकार आई न दवा रही है न खाना न नाश्ता सब खत्म कर दिया गया अच्छा ठीक है चलिए अब इस बातचीत को हम यहीं रोकते हैं आप ये वीडियो लल्लन टॉप की टीवी पे देख रहे थे अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत शुक्रिया